आज हम बनाने वाले हैं सेल बोट। तो सबसे पहले हम उसकी बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे इस टाइप से कर्व करना है और यहाँ से भी कर्व करके ज्वाइंट करना है। वापस एक लाइन्स ड्रॉ करना है, बीच में भी और एक लाइन्स कर्व होते ड्रॉ करना है। छोटे छोटे विंडो ड्रॉ करना है, बीच सेंटर में ड्रॉ करना है, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम एक बड़ा सा, अब यहाँ पर हम एक बड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मेन सेल ड्रॉ करने वाले तो इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तीन अलग अलग, और इसे ज्वाइन करते हैं इस टाइप से। ये सबसे बड़ा वाला है, ये इससे छोटा है, वापस ये इससे छोटा है। तो ऊपर से बड़ा होते होते नीचे छोटे ड्रॉ करना, लाइट लाइट ड्रॉ करने, वाटर कलर करने वाले हैं। अंदर का पार्ट रब कर लेते हैं, ऊपर में एक फ्लैग भी ड्रॉ कर सकते हैं और दोबारा और एक ड्रॉ कर लेते हैं। बीच सेंटर सेंटर से ड्रॉ करना है, इस टाइप से कर्व करना है, उसकी बॉडी अच्छे से बना लेना है। ये सारा हो जाने के बाद हम वाटर कलर से करने वाले हैं। इरेज कर लेने का है हल्के हाथ से और लाइट वॉश कर लेना है, क्योंकि हम कलर मिक्स करने वाले हैं। मन चाहे कलर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेमन येलो, क्रोम येलो का यूज करके हम पहले लाइट लाइट शेड भर देते हैं। 8 नंबर 10 नंबर के ब्रश से कर सकते हैं, पॉइंट के ब्रश से, बहुत छोटा ब्रश भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। यहाँ पे क्रोम येलो, लेमन येलो पहले लाइट शेड कर लेते हैं। तो क्रिमजन और वायलेट शेड को मिला के हम पर्पल शेड बनाएंगे। थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी मिक्स कर लेते हैं। ये पूरे शेड हमने ड्राई होने के लिए रख दिया है, तब तक हम बॉडी में कलरिंग करते हैं। लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, येलो ऑकर शेड का यूज कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से करना है, बहुत प्रेशर नहीं, पॉइंट से काम करना है। थोड़ा सा ब्लू शेड और पर्पल शेड को मिक्स करके ब्रश के पॉइंट से काम करना है। ब्रश को बहुत प्रेशर नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से कलरिंग करना होता है। पहले लाइट शेड कर लिया था, अब मिडल करने के लिए हम ऑरेंज का यूज करते हैं। थोड़ा सा पर्पल शेड, इस टाइप से हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते चलना है। ऑरेंज शेड लगा लेते हैं और उसे मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड का यूज करते हैं, तो ब्रंट अंबर और पर्शियन ब्लू शेड को मिक्स करके हम डार्क शेड बना सकते हैं। ये ड्राई हो रहा तब तक हम बैकग्राउंड में कलर कर लेते, तो मल्टी कलर्स करने वाले हैं। तो हमने सैप ग्रीन, लेमन येलो, क्रोम येलो शेड इस टाइप से लगा लेते हैं, एक दूसरे में कलर मिक्स करके देखना है। यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा ब्लू शेड है, फिर पर्पल शेड, येलो, ऑरेंज, ऐसे सारे शेड हम एक दूसरे में बैकग्राउंड में मिक्स कर लेते हैं स्काई का सीन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइप से हमने ड्राई होने देते हैं। नीचे शेडो में हम ग्रीन के डार्क शेड और पर्शियन ब्लू मिक्स करके उसकी शेडो बना लेते हैं। इस टाइप से शेडो बना लेना है। हम वापस दोबारा ऊपर में बैकग्राउंड में कलरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा और डार्क शेड। पहले लाइट शेड करते हैं, फिर मिडल शेड के लिए वापस हम इस टाइप से कर लेते हैं। ये हो गया। अब नीचे में थोड़ा सा और डार्क शेड बढ़ा लेते हैं। पूरा ड्राइंग ड्राई हो जाने के बाद पर्शियन ब्लू और ग्रीन, थोड़ा सा ब्लैक शेड मिला के तीनों के कॉम्बिनेशन में हम डार्क शेड बना लेते हैं और उससे
एक नंबर के ब्रश से आउटलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा अच्छे से पॉइंट के ब्रश से काम करना है। तो इस टाइप से पॉइंट के ब्रश से धीरे धीरे छोटा छोटा ध्यान से कलरिंग करना है। ये जो पॉइंट से हो जाने के बाद हम स्काई के अंदर कुछ सीगल बर्ड भी बना लेंगे। कुछ बर्ड भी बना लेते हैं जो समंदर के ऊपर उड़ते हैं। आपको ये ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।